हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट पे, जहां मैं बात करता हूं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और कैसे आप भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, ताकि आप भी अपने पैसों की चिंता को दूर कर सको। दोस्तों, जो चीज़ आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद यूज़ कर रहा हूं, जिससे मैंने फास्टेस्ट तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। और ये वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सिंपल स्ट्रेटेजी सीखकर अपनी लाइफ बदल सकते हो। और दोस्तों, मैं इस स्ट्रेटेजी का कोई भी क्रेडिट नहीं ले रहा, क्योंकि ये भी मैंने कहीं से सीखी है। बस मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसमें थोड़ा गर्म मसाला मिला दिया है, ताकि ये हम इंडियंस के लिए सूट कर जाए। दोस्तों, ये वीडियो में मैं तीन चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिसका जवाब बहुत लोगों के पास क्लियरली होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास स्कूल का रटा रटाया ज्ञान होता है, लेकिन रियल लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहला, आपको कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। दूसरा, आप उसे कैसे जमा कर सकते हो और कहाँ। तीसरा, वो अल्टीमेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, जिससे आप 10 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और उसके साथ में मैं उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, एज अ बोनस मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ऐड करूंगा वीडियो के एंड में, तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, अगर आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमें चार टाइप के लोग मिलते हैं। सबसे पहले, जो हमें हमेशा यही कहेंगे, पैसा सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो, वो कंपाउंड होगे, फिर आप रिटायरमेंट में जब 60-70 साल की होगे तब मजे कर सकते हो। लेकिन अगर आप 70 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए, तो उसका क्या फायदा? आपके पास उतनी एनर्जी कहाँ होगी उसे एंजॉय करने की। और दूसरी तरफ, एक ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी दुनिया एकदम अलग ही होती है, जिसमें आई एम 100% श्योर आप नहीं आते हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। ये कैटेगरी में वो लोग आते जो रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की सोचते ही नहीं है। वो पूरा दिन ऑफिस में रहेंगे, ऐसा जॉब करेंगे जो उन्हें पसंद नहीं, पूरा दिन ऐसी जगह रहेंगे जहां उन्हें रहने का मन नहीं, और फिर भी सैलरी के आते ही वो लोग उसे पूरी तरह उड़ा देते हैं। इनफैक्ट मंथ एंड होने से पहले ही उन लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा पैसा खर्चा करते जो उन्होंने कमाया भी नहीं है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। खैर, ये टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे, किसी और दिन एकदम फुर्सत में। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें लगता है मनी कांट बाई हैप्पीनेस, मतलब अब जाने दो, इन लोगों के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते जिन्हें रिटायरमेंट नहीं बल्कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें कितना पैसा जमा करना है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, मतलब व्हाट्स द टोटल अमाउंट एम आई शूटिंग फॉर। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के पास इसका सीधा आंसर होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप लोगों से पूछोगे कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, तो कभी भी लोग इसका सीधा आंसर देंगे ही नहीं, क्योंकि कोई कहेगा 5 करोड़, या फिर कोई और कहेगा अरे नहीं, 5 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद बहुत कम हो जाएगी, तो चलो 10 करोड़ पकड़ लो। फिर कुछ लोग कंफ्यूज होकर कहेंगे अरे नहीं, ये भी कभी खत्म हो गया तो क्या, इसे थोड़ा और बढ़ा लो। और इसीलिए जब लोग अपना गोल अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो उसे अचीव करना तो बहुत दूर की बात होगी। और शायद इसी वजह से लोग कहीं भी पैसा डाल देते, यहाँ वहाँ, जहाँ उन्हें लगता है ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा, या कुछ लोग बस खर्चा कर देते, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सैड चीज है, क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन नहीं होता तो चांसेस है कि आप भटकोगे ही। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको भी एक डायरेक्शन मिल सके और आप भी अपना कीमती पैसा और टाइम वेस्ट ना करो। दोस्तों, हमें कितना पैसा चाहिए उसके लिए मेरा आंसर काफी सिंपल है। आपका फिलहाल जितना भी मंथली खर्चा होता है, अगर आपको उतना पैसा बिना काम किए मिल जाए, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो, ये वीडियो में मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि उनका मंथली खर्चा कितना होता है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा था उनका खर्चा होता है लगभग 25,000 मंथली। तो हम पूरे वीडियो में यही अमाउंट को एज एन एग्जांपल लेंगे, जो मेरे हिसाब से रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, वो एक फेमस स्ट्रेटेजी है जो यूएसए के एक बैगन ने इन्वेंट की थी। ये स्ट्रेटेजी का नाम है द 4% रूल, या फिर सेफ विड्रॉल रेट, जो फेमसली एक फायर मूवमेंट की तरह चल रहा है, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। अब ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह काम करती है कि अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 का है, तो साल का खर्चा हुआ 3 लाख, और अगर आपको हर साल 3 लाख रुपया कहीं से मिल सकता है बिना काम किए, तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं।
और ये 3 लाख रुपया हमारे सेव किए हुए पैसों का 4% होगा। मतलब अगर ये 3 लाख 4% हुआ तो 100% कितना हुआ, यानी आपको टोटल कितना पैसा जमा करके रखना है, तो वो होगा 75 लाख। तो ये वो टारगेट है जिसे आपको सेव करना है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, है ना सिंपल। अब ये 75 लाख के बारे में सुन के आधे लोगों ने अपना होश खो दिया होगा और बचे हुए आधे लोग जोश में आ गए होंगे कि इतने पैसे जमा कैसे हो गए, बोल तो दिया इतना सिंपल है लेकिन रियलिटी में सिंपल नहीं है। तो गाइस मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पैसा जमा करना भी इजी है और कैसे ये पैसा आपको हेल्प करेगा आपके पूरी लाइफ में। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ नहीं चाहिए, ये अमाउंट 1 करोड़ से भी कम है। तो बेसिकली आपको अपने सालाना खर्चे का 25 टाइम्स अमाउंट सेव करना है, जो ये केस में 75 लाख होता है। 3 × 25 = 75। तो अगर आप कैलकुलेटर निकाल के इस 75 का 4% निकालोगे तो वो 3 लाख रुपया होगा, यानी हर साल के खत्म होने से पहले आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 75 + 3 यानी 78 होगा, जिसमें से आप 3 लाख रुपया निकाल दोगे अपने खर्चे के लिए। फिर अगले साल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट फिर से ग्रो होगा। जैसे मान लो अगर आपने किसी सेविंग्स अकाउंट में रखा, इंडिया में कोई भी सेविंग्स अकाउंट में 4% तो मिल ही जाता है, तो अगले साल आपको वापस 3 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, उस हिसाब से आप अगले साल इसे वापस विड्रॉ कर सकते हो और इसी तरह ये गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और हाई इन्फ्लेशन वाली कंट्रीज में ये स्ट्रेटेजी फिट नहीं बैठती। तो हम इंडियंस क्या कर सकते हैं? दोस्तों उसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम ये इन्फ्लेशन के डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल देंगे, और यही गर्म मसाला है जिसकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हम इस 4% को 8% रूल बना देंगे, क्योंकि इंडिया के हिसाब से 8% पूरे साल में कमाना आसान है, क्योंकि आपको फिक्स डिपॉजिट से ही 7% तो मिल जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अपने साल के खर्चे का सिर्फ 12.5 टाइम्स सेव करना है 25 टाइम्स के मुकाबले, यानी आधा, और फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मतलब ये एग्जाम्पल में 75 लाख की जगह पे ये सिर्फ 37,50,000 हुआ। अब इसको हम राउंड ऑफ करके 40 लाख पकड़ लेते हैं, तो अगर आप 40 लाख रुपया सेव करते हो और उसमें से आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 43,20,000, जिसमें से आप 3 लाख विड्रॉ करोगे 8% रूल के हिसाब से, तो भी आपके पास बचेगा 40,20,000। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप अपनी आधी सैलरी सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब दोस्तों 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल इन्वेस्टमेंट की। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आपकी करंट सैलरी 50,000 पर मंथ की है, अब हो सकता है आपकी सैलरी इससे ज्यादा हो या इससे कम, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% सेविंग्स रेट लिया है। अब कुछ लोग कहेंगे ये 50% सेविंग्स नहीं हो पाती, तो उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझ लो, क्योंकि अगर आपका सेविंग्स रेट थोड़ा कम है, आप कम सेविंग्स करते हो, तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, वो चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग वीडियो के एंड होने से पहले ही मोटिवेटेड हो जाएंगे ज्यादा सेव करने के लिए। अब यहाँ पे आधी सैलरी आप खर्चा करते हो और बाकी आधा यानी 50% आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप हर महीने का 25,000 इन्वेस्ट करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एवरेज 13% का रिटर्न ले रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जो मेरे हिसाब से आप कोई भी इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। अब मैं 13% क्यों ले रहा हूँ, 12% या 15% क्यों नहीं, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं RBI का टारगेट इन्फ्लेशन, इंडिया का GDP ग्रोथ, निफ्टी और सेंसेक्स का पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से प्रूफ करके दिखाऊंगा लॉजिकली कि ये 13% पॉसिबल है। और मैं इंडेक्स फंड क्यों चुन रहा हूँ, इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी बहुत लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका सिर्फ 10 साल बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा लगभग 59 लाख, और अगर आप चाहो तो ये 59 लाख के साथ रिटायर हो सकते हो, यानी आप 19 लाख रुपया एक्स्ट्रा सेव करके रखोगे एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस 59 लाख को और इम्प्रूव कर सकते हो और आपको करना चाहिए। तो अब इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा सीरियस बनाता हूँ, इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एक रियल चीज़ है। दोस्तों हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं, खास करके इंडिया में, तो हम इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते,
क्योंकि पिछले 40 साल के एवरेज के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 7% का है, और ये 7% एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म में इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, हम छोटा सा एडजस्टमेंट कुछ इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे हर साल हम 7% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे इतना मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट करोगे, और इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं होगी, एकदम कंजूस बनने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ाते जाओगे, और बीच में अगर आपको कोई बोनस मिलता है या आपको पीएफ मिलता है तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मैंने ये कैलकुलेशन में ये सब बिल्कुल काउंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ 7% एक्स्ट्रा काउंट किया है, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद 7% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके हर साल, जो आपको फ्यूचर में इन्फ्लेशन के बावजूद अच्छा रिटर्न दे सके। अब यहाँ पे आपके छोटे से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 76 लाख, और याद रखिए मैंने सिर्फ 13% ही रिटर्न लिया है। अगर आप इन 10 सालों में स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखते हो तो आपके 15-20% कहीं नहीं गए, और ये 2-5% बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते, मान लो 10 साल निकल गए और आपने डिसिप्लिन के साथ सेव करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, और आपने इंडेक्स फंड को ही चूज़ किया, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखा नहीं क्योंकि आप 13% से ही खुश हो। तो अब आप ये टेबल देखो, फाइनेंशियली फ्री होने के पहले साल में आप 6 लाख विड्रॉ करोगे, लेकिन आपका खर्चा 3 लाख रुपए का था, तो 6 लाख क्यों? क्योंकि 25,000 मंथली खर्चा आपका आज के हिसाब से, जो आप यहाँ देख सकते हो, 10 साल में 7% के रेट से ऑलमोस्ट डबल होगा, लगभग 49,000 के आसपास। 1,000 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों, विड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको हर महीने विड्रॉ करना है, साल में एक बार नहीं। और इसके दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। जिस तरह SIP आपको हेल्प करती है कि आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बचे रहो, उसी तरह ये मंथली विड्रॉल आपकी हेल्प करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करो, जिससे आपका रिस्क 12 महीने में स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार विड्रॉ किया पूरा 6 लाख रुपया, तो आप ऐसे टाइम पे विड्रॉ ना कर दो जब मार्केट बहुत सस्ता था, और उसके बाद के 11 महीने मार्केट बहुत अच्छा चलता रहा और आप पछताते रह जाओ। इसीलिए हम यहाँ पे हर महीना विड्रॉ करेंगे। और उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप मंथली विड्रॉ करोगे तो आपका बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, और कंपाउंडिंग के जरिए वो भी अर्न करेगा। हो सकता है आपकी कोई कंपनी आने वाले टाइम में डिविडेंड्स पे कर दे या बोनस शेयर्स पे कर दे। तो जब आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे, तो ये एग्जांपल के हिसाब से आपका 76 लाख जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, आपको 13% रिटर्न देगा हर साल, जो होता है 9.5 लाख रुपया पहले साल में। और उसमें से 6 लाख आपने विड्रॉ किया, तो आपके 3.5 लाख रुपये बच गए जो आप इसमें इन्वेस्टेड रखोगे। फिर नेक्स्ट ईयर आप 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से 6 लाख की जगह 6,42,000 निकालोगे, लेकिन उस साल का आपका प्रॉफिट होगा 9,93,000, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो वापस बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह ये सेफ विड्रॉवल रेट से आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी और आपका रेगुलर इनकम भी बढ़ता रहेगा, और आपको इन्फ्लेशन का डर भी नहीं होगा, और आप फाइनेंशियली फ्री भी रहोगे। तो दोस्तों, ये था 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का ब्लूप्रिंट, जो मेरे हिसाब से कोई भी फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों, हमने ये स्ट्रेटेजी तो समझ ली, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो, आप लोगों को पता होगा आप क्या करने वाले हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद। लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत यूनिक आइडियाज देता हूँ, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह सिंपल लाइफ, नेचर और नेचुरल एडवेंचर पसंद करते हो, तो आप कोई ऐसे लोकेशन पर जाके रह सकते हो जो महंगे शहर से थोड़ा दूर हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। या फिर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा अपने बिजनेस के लिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, बस लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। दोस्तों, मैंने 15 साल की एज में जॉब करना शुरू किया था, और अभी मैं अपनी मिड 20s में हूँ। मैंने टारगेट रखा था कि मैं अपनी सैलरी का एटलीस्ट 60% अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करूँगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपना पूरा अमाउंट
डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और स्टॉक इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। अब दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस हमने देख लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टेड अमाउंट को विदड्रॉ करना पड़ता है, जो मिस्टर मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, जो मेरे हिसाब से एक बुरी चीज़ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मेंटल गेम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका कैपिटल पूरी तरह से ख़त्म होने का रिस्क होता है। अगर स्टॉक मार्केट कुछ सालों तक बुरा करने लगता है, जैसे रिसेशन या डिप्रेशन आता है, तो आपको एकदम बैड मार्केट कंडीशन में भी विदड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ही विदड्रॉल पे बेस्ड है। तीसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। इंडिया का इन्फ्लेशन पिछले 30-40 साल के एवरेज के हिसाब से ईयरली 6-8% का होता है, लेकिन 2010 और 11 में ये 10% के आसपास गया था। और अभी फिलहाल COVID-19 की वजह से RBI ने इतने सारे नोट छापे, उसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा। चौथी प्रॉब्लम है, आप जब भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना डिविडेंड ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन कैपिटल गेंस में हमें टैक्स भरना पड़ता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, आप जैसे जैसे ओल्ड होते हो तो आपके हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता है। आपको अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज में डालना होगा, उनकी शादी करनी होगी, ये सब के लिए बहुत बड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि फ्यूचर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। और लोग आजकल बहुत लंबा जी रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये स्ट्रैटेजी में इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो मैं इसे यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपना फ्यूचर प्लान बताता हूँ, वो है फायर से फायर्ड में डाइवर्ट होने का, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली ऑन डिविडेंड्स। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रैटेजी अगर कोई इस दुनिया में है तो वो डिविडेंड इनकम स्ट्रैटेजी ही है। और मैंने इतने सालों में जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी बुक्स रीड की है, बायोग्राफीज से लेके नॉन फिक्शन या एकेडमिक्स, उससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि डिविडेंड इनकम स्ट्रैटेजी अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रैटेजी है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आप भी सीख सको। और इसमें मैं कंपेयर करूंगा बाकी सारे इन्वेस्टमेंट को, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, जिसमें आप इमरजेंसी फंड जमा करके रखते हो, जिससे आपका साल दो साल का खर्चा कवर हो सके। क्योंकि अगर बाय चांस आपका जॉब छूट जाता है या कोई इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए वो काम आता है, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। 700 पेज की बुक को मैंने 15 मिनट में निचोड़ने की कोशिश की है, तो मुझे वहाँ कमेंट करके बताना कैसी कोशिश थी। और ये फायर मूवमेंट से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आपके डिविडेंड इनकम से मिलेगा। तो दोस्तों, याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये तीसरी कैटेगरी के लोग जिन्हें लगता है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम मान भी ले कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हमें एक ऐसा पावर देता है जिसे हम जो चीज नहीं पसंद करते उसे बिंदास ना बोल सकते। यानी आप वो काम कर सकते जो आप दिल से पसंद करते हो। आप उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो जिन्हें आप दिल से चाहते हो। आप ऐसी जगह घूम सकते हो जहां आप हमेशा जाने के सपने देखते हो। आप अपने लिए मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके लिए ये हैप्पीनेस नहीं है तो मुझे पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो को मैं एक छोटी सी चीज़ बोल के एंड करूंगा, वो ये कि जब मैंने 75 लाख या करोड़ों की बात की थी, तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा जमा कैसे होगा। तो आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू नेवर हैड, यू गॉट टू डू समथिंग यू नेवर डन। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा, तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रह सकते। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो कहीं भी पैसा डाल देते हैं। लेकिन अभी आपके पास डायरेक्शन है, और फिर भी आपको लगता है कि आप इतना पैसा नहीं जमा कर सकते, तो अब तक शायद आप सिर्फ गलत लोगों को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि मैंने एक बुक रीड की थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसिल, जिसमें ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ट्रू वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी। हम ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से कॉपी करते हैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के लिए कार्स खरीदना, वैकेशन पे जाना, बड़े बड़े घर खरीदना उनके जॉब के शुरू होते ही बहुत आसान होता है। उनके पास पैसा नहीं भी होता है तो भी वो लोन लेके ये सब चीज़ें खरीद लेते, क्योंकि उनके सर पे एक सोशल प्रेशर होता है। लेकिन कोई भी समझदार आदमी उसके पोर्टफोलियो में कितना पैसा है, वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, वो टैक्स की सेविंग करके कैसे और अमीर बन रहा है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा, पब्लिकली नहीं शो करेगा। और इसीलिए ये सब चीज़ें लोग कॉपी नहीं करते,
क्योंकि ये इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, अगर मिला है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और दोस्तों मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप अपनी सैलरी का कितना परसेंट सेव करते हो, आपका सेविंग्स रेट कितना है? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरे फाइनेंशियल फ्रीडम के गेम में ये सेविंग्स रेट एक बैकबोन होता है। अगर आपकी सेविंग्स नहीं तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। कमेंट करके मुझे बताना ताकि आप भी जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। और आप मुझे कमेंट के जरिए बताना कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।